इंस्टाग्राम रील्स वीडियो में आप कोई भी फ़ोटोज़ डालना चाहते हो अपना, और वो फ़ोटोज़ एक से ज़्यादा हो, तो आप इस प्रोसेस को फॉलो कर सकते हैं। तो सबसे पहले सॉन्ग सर्च कर ले, जो सॉन्ग पे आपको अपनी फ़ोटोज़ चाहिए। तो यहाँ पे मैं सॉन्ग सेलेक्ट कर ले रही हूँ। देन उसके बाद स्क्रीन पे सबसे लेफ्ट साइड पे जो प्लस साइन दिया हुआ है ब्लू बैकग्राउंड में, उस पर क्लिक करेंगे। वहाँ से हम लोग वीडियोज़ या फ़ोटोज़ ऐड कर सकते हैं। तो अभी इस वीडियो पे हम लोग फ़ोटोज़ ऐड कर रहे हैं, तो हम लोग फ़ोटोज़ ऐड करेंगे। तो गैलरी से आप जो भी फ़ोटोज़ अपना ऐड करना चाहते हो उसे सिलेक्ट कर ले। देन उसके बाद ये प्रोसेस होगी। और फिर आप कितने ड्यूरेशन के लिए इस फ़ोटोज़ को रखना चाहते हो, तो ये आप सिलेक्ट कर सकते हो ये ड्रैग करके। तो यहाँ पर मैंने सेट कर लिया है मुझे कितने ड्यूरेशन के लिए एक फ़ोटो चाहिए। ड्यूरेशन सेट करने के बाद आप इसे ऐड कर लो, तो ये फिर प्रोसेस होगी। एंड देन फिर उसके बाद आप सेकेंड फ़ोटोज़ अपना सिलेक्ट कर सकते हो और उसकी भी ड्यूरेशन सेट कर सकते हो। तो आप अपनी फ़ोटो की साइज़ भी सेट कर सकते हो यहाँ से स्केल करके दिया हुआ है लेफ़्ट साइड पे। तो आप अगर उस पर क्लिक करोगे तो ये फुल स्क्रीन हो जाएगी, और अगर दोबारा क्लिक करोगे तो ये फिर से छोटी हो जाएगी। तो यहाँ पर मैंने फुल स्क्रीन सेट कर लिया है। और अब मैं ऐसे ही करके जितनी फ़ोटोज़ मुझे ऐड करनी है एक सॉन्ग पे, तो मैं वैसे ही फ़ोटोज़ ऐड करते जा रही हूँ। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि मैं गैलरी से फ़ोटो सिलेक्ट कर रही हूँ, एंड देन फिर उसका ड्यूरेशन सेट कर रही हूँ, स्केल सेट कर रही हूँ, और फिर उसे ऐड कर रही हूँ। तो ऐसे करते हुए मैंने 6-7 फ़ोटोज़ अपनी ऐड की है एक सॉन्ग पे। तो आप रिज़ल्ट देखना कि लास्ट पे जो रिज़ल्ट आएगा उस पे एक सॉन्ग पे मेरी 6 या 7 फ़ोटोज़ कंटिन्यू आएगी। लास्ट फ़ोटो सेलेक्ट करने के बाद आप ऐड करोगे तो ये वीडियो कंप्लीट हो जाएगी और प्रोसेसिंग होगी। देन उसके बाद जो आपकी वीडियो है वो रेडी हो जाएगी बनकर, और कुछ इस तरह का बनकर तैयार होगा। तो आप देख रहे होंगे कि एक सॉन्ग पे मेरी यहाँ पे 6 या 7 फ़ोटोज़ आई हुई है। तो ये फाइनली कंप्लीट है। आप इस पर कुछ इफ़ेक्ट डालना चाहते हो तो डाल सकते हो, मैंने कोई इफ़ेक्ट नहीं डाला है। मैं वैसा ही इसको पोस्ट करने वाली हूँ, तो पोस्ट करने की प्रोसेस तो आपको पता ही होगी। इसे आपको नेक्स्ट करना है, देन आपको कोई कैप्शन अगर डालना है तो आप कैप्शन डाल सकते हैं, एंड देन फिर आप इसे शेयर कर सकते हैं।